गाइस, सो गाइस, आज आपके सामने एक यूट्यूबर ने एक माँ बैठी है जो अपने कुछ दिल की बात शेयर करना चाहती है. सो सबसे पहले मैं एक बात इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. अभी कुछ दिन पहले स्कूल में मेरे बेटे के साथ ज़्यादा कोई ऐसा मतलब बहुत बिग इशू नहीं है, छोटी सी बात है. छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आई थिंक हर पेरेंट को समझनी चाहिए ये बात कि बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है, किस तरीके से टीचर्स बिहेव कर रहे हैं और आप कितने कंसर्न अपने बच्चों के लिए. सो यस, मेरे बेटे के साथ हुआ था ये कि बच्चा, अब लड़के शरारती होते हैं, थोड़े से नॉटी होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही, और इस एज में 6-7 ईयर्स के सभी बच्चे नॉटी होते हैं. मस्ती कर रहे थे बच्चे और कुछ नहीं लिखा हुआ है या लिखते लिखते ही मस्ती हो रही होगी. देन सडनली हिंदी टीचर बोलती है, हाथ तोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी, मुँह तोड़ दूंगी, समथिंग लाइक दीज वर्ड्स. सो देन बच्चे हैं तो बच्चे शॉक में चले गए कि यू नो, मैंने अपने बेटे को सिखाया कि अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो मुझे टोक देना कि मम्मी ये गलत है. इवन अगर मैं कभी गुस्से में बोल देती ना, अरे पागल हो तुम, ही रिवर्सली सेड टू मी कि यार मम्मी आप होंगी पागल, में पागल नहीं, मुझे पागल मत बोलो. तो देन आई रियलाइज, ही मेक मी रियलाइज कि आप गलत बोल रहे हो, आपको नहीं बोलना चाहिए. और ये चीज़ मैंने ही उसे सिखाई है क्योंकि हम अडल्ट्स क्या होता है ना, फ्लो में हम क्या हमारे मुँह से निकल जाता है हमें खुद नहीं पता होता और बाद में हम रियलाइज़ करते हैं. बच्चों के लिए हमारे मुँह से निकला एक एक वर्ड एक्शन वो अडेप्ट करते हैं. सो यस, ये चीज़ें मैंने सिखाई अपने बेटे को. देन वो मुझे घर आकर बोलता है, मम्मा ये हाथ पैर तोड़ दूंगा तो गलत है बोला. मैंने बोला हाँ गलत है, किसने बोला? तो उसने मुझे बोला, मम्मी हिंदी टीचर ऐसा बोल रही थी, हाथ तोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी. आई वॉज लाइक वॉट? एंड यू नो गाइज, हर क्वालिफिकेशन इज एमफिल, शी इज एमफिल एंड शी इज ऑल्सो मदर. सो आई वॉज गेट लिटिल शॉक. देन आई थिंक ठीक है मैं बात करती हूँ स्कूल जाकर. तो मैं उसके स्कूल गई और मैंने कोऑर्डिनेटर से बात की. तो जो कोऑर्डिनेटर है मैम, उन्होंने मुझे ये बात सुनने के बाद क्या बोला, उन्होंने बोला यू नो दैट मैम, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक टू यू एंड यू नो दैट सम इशूज आर गोइंग विद द बैंकर, ही राइट्स सो स्लो. मतलब वो लिखने में बहुत स्लो है, उसकी जो स्पीड है लिखने की वो बहुत धीमी है. आई वॉज लाइक वॉट? मैं बात करने आई हूँ ना, मैंने आपको अप्रोच किया है तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए. आप मुझे उल्टा बोल रहे हो कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू. यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर उनको मुझसे बात करनी थी तो उन्होंने वाई शी डिडंट कॉन्टैक्ट मी, शी हैज़ माई नंबर सो मैनी वेज, शी हैज़ माई नंबर, शी हैज़ माई हस्बैंड नंबर, सो वाई डिडंट ही शी कॉल मी? ऑब्वियसली शी वॉज प्रोटेक्टिंग हर. ठीक है, चलो ये भी ठीक है. देन शी सेंड मी, देन आई ऑल्सो पुट माई सम इशूज, देन शी सेंड मी ओके, एज आई नो शी इज़ वेरी हम्बल एंड आई विल टॉक टू हर. एंड मैंने उनको बहुत कंसर्नली बोला था कि आप उनसे बात करिए, मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा. ठीक है, शी सेड या या श्योर 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 आई विल इन्फॉर्म यू. फॉर अ वन वीक आई नेवर गेट अ कॉल फ्रॉम हर और एनी मैसेज फ्रॉम हर. बहुत छोटी बातें हैं, आप सोच रहे होंगे क्या क्या है इसमें, क्या हो गया? लेसन आगे पूरी बात सुनिए. उसके बाद हो गया शायद काफ़ी टाइम हो गया, इट्स बीन लाइक 15 डेज. देन अभी 2 दिन पहले की ही बात है, उसने मुझे अगेन बोला, मेरे बेटे ने, मम्मा मैंने टीचर को बोला आज क्लास में, टीचर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हाथ तोड़ दूँगी, पैर तोड़ दूँगी. पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई, ये क्या है. देन उसने मुझे बोला, मम्मा जैसे ही मैंने उनको ये बोला, उन्होंने मुझे बोला शट योर माउथ एंड आम से उसको पुल करके पकड़ के खींचा कस के और उसे सीट पे बिठा दिया अपने. आई वॉज लाइक क्या इस तरीके से किया सच में? एंड यू नो दैट कि मेरा खून खौल गया ये सब सुन के. माई ब्लड वॉज लिटरली बॉइल्ड. आई वॉज इन सच पैनिक स्टेट कि क्यों ऐसे हुआ और वाई यू आर टेलिंग मी नाउ, कांट यू टेल मी इन द स्कूल टाइमिंग व्हेन आई केम टू पिकअप यू. सर ओ सॉरी मम्मा मैं भूल गया था. तो बच्चों का मन ऐसे होता है, अचानक से परसों पुरानी बात याद आ जाती है या कभी कुछ नहीं याद रहता. तो मैंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी और इवन माई हस्बैंड कामिंग मी डाउन किया रही, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, ये सब छोटी मोटी बातें. हम लोग कितना पिटते थे क्लासेस में, उस पॉइंट में मैं बाद में बात करूँगी कि हम लोग कितना पिटते थे. अभी मैं इस टॉपिक पर बात करती हूँ. देन मैं स्कूल गई कल और मैंने काउंसलर से बात की, उनको अपने जितने भी कंसर्न्स थे मैंने उन्हें बताए और
मज़े की बात है कि मुझे इन 3 सालों में कभी प्रिंसिपल से बात करने का मौका ही नहीं मिला. आई डोंट नो वाई, सो आई रियली डोंट नो. और जो कोऑर्डिनेटर थी वो शी इज़ वेरी गुड इन टैक्टिक्स, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हाउ टू हैंडल पेरेंट्स, हाउ टू हैंडल टीचर्स और किड्स. या शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद हर. देन काउंसलर लेडी, शी इज़ वेरी वेरी गुड. शी फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद द प्रिंसिपल एंड यस टुडे आई वेंट टू मीट द प्रिंसिपल एंड बिलीव मी शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी. आई वॉज थिंकिंग कि यार ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्या मैं सही करूँ, या दीवी ने कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल दिया. देन आई आस्क हिम ट्वाइस और ट्वाइस कि सही था ना, तुमने ऐसे ही ऐसे हुआ था या तुम ऐसे तो नहीं कह रहे हो मजाक में. सर नो मम्मा, आई कैन कन्फेस इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑल्सो. आई सेड ओके. सो टुडे उसका मूड भी नहीं था जाने का, और भी इशूज़ हो जाते हैं बच्चों के, टीचर इग्नोर कर देती है, बच्चे आपस में मारपीट करें, शी इज़ कामली साइनिंग द डायरीज, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो यू नो दैट बींग अ पेरेंट और बींग अ टीचर, अगर मैं भी टीचिंग फील्ड में ही थी, इट वॉज नॉट ओके फॉर मी. आई वॉज वेरी कंसर्न, आई एम स्टिल वेरी कंसर्न अबाउट एवरी किड. इवन अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ किसी बच्चों के साथ कुछ हो रहा, तो आई स्टॉप एंड आई आस्क इज एवरीथिंग ओके, बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिव नेचर. और यू नो दैट एवरी पर्सन इज डिफरेंट, किसी को फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता है. तो प्रिंसिपल से जो कन्वर्सेशन था वो बहुत अच्छा रहा. शी एलैबोरेट ऑल द थिंग्स अबाउट द टीचर एंड शी ऑलरेडी टॉक टू द चीफ टीचर. यू नो दैट प्रिंसिपल टोल मी कि हम बातचीत में कई बार फ्लो में बोल जाते हैं, तो आई टेल हर, हंसते हुए बोल रही थी वो, आई टेल हर टू रिफ्रेन यूज दीज वर्ड्स. शी इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट द थिंग्स एंड आई ऑल्सो सजेस्ट सम थिंग्स टू द प्रिंसिपल. शी अप्रिशिएटेड माई थाट्स ऑल्सो. येस सो या इट इज़ वेरी वेरी सिली पॉइंट और वेरी माइनर पॉइंट. बहुत से हम में से बहुत से पेरेंट्स तो इग्नोर कर देते हैं कि अरे होती रहती हैं बातें तो. एंड यू नो दैट ये होती रहती हैं बातें तो, आई डोंट नो होती रहती होंगी और लोगों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बट फॉर मी इट्स नॉट ओके टू होती रहती हैं. ठीक है, आप पे एक जिम्मेदारी है, एक बच्चा है जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है उसे गुड वैल्यू देना, गुड प्रिंसिपल्स देना, बहुत सारी अच्छी चीज़ सिखाना. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, यू नो दैट आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ, आई एम नॉट अ गुड पेरेंट. बट द थिंग इज दैट अबाउट मी, आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड पेरेंट बाई लिसनिंग टू माई किड, बाई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम वॉट ही वॉन्ट्स टू से और मेक हिम कम्फर्टेबल सो दैट ही कैन शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद मी. यू नो एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, आप एक बच्चे के नज़रिए से सोचिए, या आप उस टाइम में सोचिए जब आप एक खुद एक छोटे बच्चे थे, आपने क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए थे. मुझे मेरा बचपन याद आता है कि लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम आई इग्नोर्ड इन क्लासेस, अरे बच्ची है, अरे बच्ची है. यू नो दैट द मोस्ट सेंसिटिव पर्सन ऑन अर्थ और मोस्ट सेंसिटिव क्रिएचर ऑन अर्थ इज किड्स, प्योर सोल इज किड. एक बच्चा उससे पवित्र, उससे जो प्योर है ना, कोई भी नहीं है. समटाइम्स आई थॉट कि वी डोंट डिजर्व किड्स यार, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल अ किड रियली. तो जो टीचर थी उसने बहुत हंसते हुए कैजुअली बोल दिया, तो मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप अपने घर में बच्चों से अगर आप इसी तरीके से बात करते हो मजाक मजाक में, या अगर आपको आपका बच्चा गलती बता रहा है तो आप बच्चे पे ऐसे चिल्लाते हो कि उसने आपका ईगो हर्ट कर दिया. मैं मानती हूँ मेरे बेटे का, मेरा बेटा छोटा है, उसको लगा तो उसने बोल दिया, उसको मैंने समझाया बेटा आप टीचर का ईगो हर्ट कर रहे थे, आप क्लास में सबके सामने बोल रहे थे, आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको अलग से बोलना चाहिए था, टीचर आई एम वेरी हर्ट विद योर वर्ड्स, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टूड, बट दिस इज़ नॉट द वे कि शट योर माउथ एंड गो टू योर सीट और पुल हिम बाय हिज आर्म, दिस इज़ रॉन्ग. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि इन चीज़ों को, बहुत सारे पेरेंट्स, और कुछ होते हैं इक्का दुक्का पेरेंट्स शायद मेरे जैसे सन की पागल, जो छोटी छोटी बातों पे स्कूल पहुंच जाते हैं. एंड यस मैं कुछ भी बात होती थी टिल UKG, जब से उसने पढ़ना शुरू किया कुछ भी बात होती थी, इतना सा भी इश्यू होता था, अगर वो पानी भी नहीं पी पाया तो क्यों नहीं पी पाया पानी. आई वेंट टू द स्कूल, आई आस्क टू द टीचर व्हाट इज़ द इशू. सी आई नेवर फाइट, बट यू नो दैट
और लोगों को लगता है यार ये बार बार आ जाती है शिकायत करने, बार बार आ जाती है। एक दिन तो मुझे बोला था कोऑर्डिनेटर ने, ये सब तो होता रहता है, ये सब तो चलती रहती है छोटी मोटी बातें। सी इट्स नॉट फॉर मी फॉर चलता वर्ड, आई कांट एक्सेप्ट और आई कांट टॉलरेट कि चलता रहता है यार। बच्चों के लिए नहीं चलता, ईच एंड एवरी थिंग इज मैटर। यू नो ये जो बातें आज जो बोली हैं और जो उसके दिमाग में बैठी हैं, ये एक एक फ्यूचर जो इम्प्रिंट होता है ना, जो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन वो हो गया है। हम मानसिक तौर पे अपने बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, यू नो दैट। अरे तुझसे नहीं होगा, तू किसी काम का नहीं, तू तो इसी लायक है, तेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए, टीचर तेरे साथ बिल्कुल सही करती है। इज़ दैट ओके टू यूज़ दीज वर्ड, और इज़ दैट ओके टू यूज़ दीज लाइन्स? इज़ ही एबल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स? ही विल लिसन एंड ही विल एक्सेप्ट, येस मम्मा इज सेइंग राइट, आई एम लाइक वेस्ट, आई कॉन्ट डू एनी थिंग। येस आप उसका कॉन्फिडेंस दबा रहे हो, आप उसको इन्फीरियर कर रहे हो, आप उसको ख़त्म कर रहे हो। पता है आपको वो कभी नहीं उठ पाएगा, और चाहे वो एक 25 साल का, 23 साल का, 50 साल का हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ उसमें अभी भी रहेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आपने उसके सबकॉन्शियस में वो बात भर दी है। आप तो चले गए, मर गए, ख़त्म हो गए, आपने क्या किया, आपने क्या दिया अपने बच्चे को? आप तो उसको बर्बाद करके चले गए, दुनिया के सामने बोल नहीं पा रहा, अपनी फीलिंग्स नहीं कह पा रहा, अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहा। वॉट यू हैव डन टू योर किड, डिड यू एवर रियलाइज, और डिड यू एवर सिट इन अलोन एंड यू थिंक कि वॉट यू हैव डन विद योर किड, यू रुइन दैम, लिटरली यू रुइन दैम। अपने बारे में बात करूँ मैं, आई वॉज वेरी वेरी शाई किड, आई वॉज वेरी शाई, आई वॉज वेरी वेरी इंट्रोवर्ट। हाँ मुझे लोग बोलते हैं कॉलेज में, स्कूल में, स्कूल में तो छोड़ दो, स्कूल में तो कोई पूछता ही नहीं था, बेवकूफ़ है ही तो पागल समझते थे सब, क्योंकि मैं नहीं बोलती थी, बस रोना आता था रो लेती थी, चाहे किसी ने पीट दिया, चाहे किसी ने कुछ बोल दिया। आई कुडंट स्पीक, आई कुडंट स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई वॉज लाइक दैट ओनली। नाउ पीपल से अबाउट मी, शी इज़ सो प्राउडी, शी इज़ वियर्ड, वाई सच एन एटीट्यूड शी हैज़। सो मेरे पास एक ही जवाब है, आई एम स्टिल दैट इनोसेंट किड हु डोंट नो वॉट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, वॉट टू से, हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, स्टिल आई एम दैट किड। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, लोग मुझे कुछ पूछते ना, मुझे नहीं समझ में आता। आई डोंट नो वॉट गेम्स आर गोइंग ऑन और वॉट स्ट्रैटेजी गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, कि कैसे बात करनी है, किसने दोस्त बनाने, किससे किसको कैसा करना है। नो आई डोंट नो, आई एम काइंड ऑफ, आई कॉन्ट बी स्वीट, मैं नहीं हूँ स्वीट, मैं मीठा नहीं बोल पाती, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उसी वक्त आपसे कह दूँगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो उसी वक्त मैं आपसे कह दूँगी, मेरे दिल में अचानक से जो बात आएगी मैं आपसे उसी वक्त कह दूँगी। वॉट आई फील आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ मीन्स आई कुडंट स्पीक दोज फैब्रिकेटेड वर्ड्स, कि लाइक अरे यार इससे ये ऐसा बोलना है, लाइक यू नो दैट यू आर गेटिंग मी माई पॉइंट। एक जो बनावटी रिलेशनशिप है, आई कुडंट क्रिएट दोज रिलेशनशिप्स, दोज फेक फ्रेंडशिप्स, आई कुडंट डू। आई एम वॉट आई एम, येस आई डू, येस आई डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स अनजाने जाने। अब मैं सोचती हूँ मैं कितनी बेवकूफ़ थी, कितनी पागल थी, मुझे नहीं पता था यार। आई एम स्टिल लर्निंग, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद माई वर्ड्स, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद माई सेल्फ, हाउ टू स्पीक विद पीपल्स, हाउ टू यूज दोज टैक्टिक्स सो दैट पीपल विल हैप्पी विद यू। यार शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ नाइस गर्ल, लेट्स क्रिएट अ ग्रुप। और एक होता है ना, देखो उसको फॉलो करो, आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम ऑल अलोन पर्सन, सिंगल पर्सन हु लिव्स अलोन, हु गो अलोन, हु डोंट हैव एनी फ्रेंड। इफ आई हैव एनी फ्रेंड, आई हैव सो मच इश्यूज विद दैम बिकॉज आई कुडंट टेक एडवांटेज ऑफ समवन एल्स। बट येस पीपल डू, पीपल टेक एडवांटेज, पीपल मेक फ्रेंडशिप ऑन बेसिस ऑफ एडवांटेज, बट आई कुडंट डू। आई ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन डू, बट जब मुझे लगता है ना यार ही इज और शी इज यूजिंग मी, तो आई स्ट्रेट अवे रिफ्रेन फ्रॉम दैट पीपल।
आई कुडंट टॉलरेट दैट फ्रस्ट्रेशन कि यार मेरा यूज़ किया है, मतलब के लिए इस्तेमाल किया है. तो जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तो जस्ट आई लॉस्ट माई टेम्पर, मेरा जो दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है. एंड आई डोंट नो, मैं सीधा सीधा जो मेरे दिल में आता है मैं कह देती हूँ. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन नाउ. सो इतनी सेंसिटिव, गुस्सैल और ये सब क्यों हूँ मैं? बिकॉज मुझे मौका नहीं मिला खुद को एक्सप्रेस करने का, ना ही उसी टाइम में जब मैं छोटी थी तब भी नहीं मिला. सो यस, प्लीज़ लिसन योर किड्स, उनको सुनो, क्योंकि आज आप उनको नहीं सुनोगे कल वो आपको नहीं कहेंगे कुछ भी. आज आप बहुत बिजी हो कल को वो बहुत बिजी होंगे. आज वो छोटे हैं कल को वो बड़े हो जाएंगे. सो यस, इतनी ही बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड गेटिंग माई पॉइंट. एंड डू नॉट जज मी, यस आई एम एस. अगर आप मुझसे कुछ बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं अबाउट यू, अबाउट मी, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन एनी पर्सन, बट इट्स वेरी टफ. कहना बहुत मुश्किल है और सुनना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आपके पास कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं या कुछ ऐसी बात है, फियरलेसली यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉमेंट मी.